फर्ज कीजिए आपको किसी बहुत ही अच्छी पार्टी में बुलाया जाता है खाने पे, आप बहुत अच्छा खाना खाते हैं, लजीज खाना खाते हैं, बट आपको एंड में स्वीट डिश या डेजर्ट नहीं मिलता है, आपको कैसा लगेगा? एग्जैक्टली, अगर आप एक बहुत ही अच्छा स्पीच, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन और बहुत अच्छा स्टोरी बता रहे हैं बट आपका एंडिंग अच्छा नहीं है, तो आपको ऑडियंस को भी कुछ कम सा लगेगा, कुछ फीका सा लगेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे 5 तरीके जिससे आप अपनी एंडिंग को सुपर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। बेस्ड ऑन मल्टीपल रिसर्च ये प्रूव हो गया है कि आपकी ऑडियंस, आप अपना स्पीच, अपना स्टोरी कैसे स्टार्ट करते हो और कैसे एंड करते हो वो मैक्सिमम याद रखती है, बीच का उतना नहीं याद रखता है। तो अगर आपको मैक्सिमम इम्पैक्ट चाहिए, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना स्टार्टिंग और अपना एंडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से करें। हम यहाँ पे एक वीडियो लिंक कर देंगे जो मैंने पहले बनाया था कि हाउ टू स्टार्ट योर स्टोरी, स्टार्ट योर स्पीच विद अ बैंग, हम इसको यहाँ पे लिंक कर देंगे। आज हम बात करते हैं कि हाउ टू एंड विथ इम्पैक्ट, कैसे आप अपना स्टोरी, अपना स्पीच, अपना प्रेजेंटेशन एक इम्पैक्ट के साथ एंड करते हैं। मैं आपको 5 तरीके बताने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तरीका है, विच हैज़ अ गुड इम्पैक्ट, आई वुड से नॉट द बेस्ट इम्पैक्ट, इज टू समराइज ऑल योर पॉइंट्स। अगर आपने 5 चीज़ों के बारे में बात की है, देन यू कैन एंड योर टॉक लाइक आज हमने बात की इसके 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 और इसके बारे में। वेन यू डू दैट योर ऑडियंस रिकॉल्स कि आपने क्या क्या बातें की हैं, तो इट्स अ गुड वे टू एंड योर टॉक। जो दूसरा तरीका है जो उससे थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है समरी से, एंड दैट इज गिविंग अ रेलेवेंट कोट। आई हैव टॉक्ड अबाउट इट इन द प्रीवियस वीडियो एज वेल। इस साल की जो वर्ल्ड चैंपियन पब्लिक स्पीकिंग है, शी वॉज डिलीवरिंग एन इम्प्रेसिव टॉक एंड टूवर्ड्स द एंड शी टोल्ड दैट कोट बाय हेनरी फोर्ड दैट इफ यू थिंक यू कैन और इफ यू थिंक यू कांट, यू आर राइट इन बोथ द केसेस। नाउ दैट वॉज द परफेक्ट कोट टू एंड द टॉक बिकॉज शी वॉज मेकिंग द पॉइंट इट इज ऑल अबाउट माइंड सेट। सो वेन यू एंड विद अ रिलेवेंट कोट, दैट मेक्स अ ह्यूज इम्पैक्ट। सो दैट कुड बी द सेकेंड वे टू एंड योर टॉक, प्रेजेंटेशन और स्टोरी, टू एंड विद अ रिलेवेंट कोट। लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन। सो जो तीसरा तरीका है दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इम्पैक्टफुल, दैट इज टू कम अप विद अ चैलेंज और अ क्वेश्चन टू योर ऑडियंस। आप जब अपने ऑडियंस को एक चैलेंज देते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं जो कि थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन होता है कि वॉट विल यू डू, वॉट वेर योर टेक अवेज, वॉट वॉज द की पॉइंट, देन दे गेट इन टू द डीप लर्निंग मोड एंड दैट makes a deep impact. So the third way to end your talk, presentation, story is to give them a challenge or a question. Let's talk about the fourth way. चौथा कौन सा तरीका है जिससे आप अपने talk को बहुत ही impactful बना सकते हैं? I'm going to say this is one of the top two ways to impact your audience, to have impact in your speech, and वो है having CTA. What is CTA? Call to action. जब आप अपने ऑडियंस को कुछ एक्शन देते हैं कि For in the next 2 hours, try and find out a friend and do this. Or in the next 1 week, do this activity to increase your productivity. जब आप अपने ऑडियंस को कुछ कॉल टू एक्शन देते हैं, then they get into the action mode. They get into that, what is it that I need to do? And that makes it super memorable. Now, as a confidence storytelling coach, I would argue this is the second best because I've kept the best for the last. Do you want to know what is the best way to end your talk? And all hands down, the best way in my, as per me, is to end with a compelling story. अगर आप कोई थ्योरी बता रहे हो, आप कोई कॉन्सेप्ट बता रहे हो, आप कोई चीज बता रहे हो जो उनको करना चाहिए, टेल देम अ स्टोरी अबाउट हाउ इट इम्पैक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को बता रहे हो फिटनेस के लिए क्या करना चाहिए, मे बी आर टॉकिंग अबाउट योगा फॉर फिटनेस, एंड यू माइट एंड विद द स्टोरी ऑफ मिस्टर एक्स, जिन्होंने योगा को अडॉप्ट करके अपनी लाइफस्टाइल को, अपने हेल्थ को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया है। वेन यू एंड विद अ कैप्टिवेटिंग स्टोरी, आई पर्सनली बिलीव दैट कैन हैव द मैक्सिमम इम्पैक्ट। सो द फिफ्थ, एज पर मी, द बेस्ट वे टू एंड योर टॉक, प्रेजेंटेशन, is to end with a compelling story. So those were the 5 ways that you can end your talk for impact. Have summary, have relevant quote, ask a challenge or a question, give them call to action, and the best way is tell them a story. Now I want to know which is your favorite way to end your talk. Please type down in the comment and I'm gonna read each and every one of them and personally reply to them.